राजधानी देहरादून के दून अस्पताल में लंबे समय से खाली पड़े टेक्नीशियन के पदों को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने 16 नए टेक्नीशियन नियुक्त किए। इस संबंध में दून मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना ने बताया कि उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से टेक्नीशियन नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि एक समारोह में सीएम धामी और चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत द्वारा इन नए टेक्नीशियनों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए थे। इसी क्रम में प्राचार्य आशुतोष सयाना ने बताया कि ओटी, रेडियोग्राफी और फिजियोथेरेपी विभागों में अब हमें टेक्नीशियन मिल जाएंगे जो कि उपचार के दौरान चिकित्सकों का सहयोग कर सकेंगे। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। जी हाँ, अभी उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से कुछ टेक्नीशियनों की जो है नियुक्ति हुई है और कल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी के द्वारा इनका जो है नियुक्ति पत्र का जो है वितरण हुआ था और एक समारोह में। और अभी इनकी नियुक्ति हमारे यहाँ पर कई विभागों में जो है पद खाली थे, जैसे ओटी टेक्नीशियन हैं और जैसे रेडियोग्राफी टेक्नीशियन हैं और फिजियोथेरेपी है, तो इन विभागों में जो है अभी हमें जो है कुछ टेक्नीशियन मिल जाएंगे।